पुरुषों को शिलाजीत खाना क्यों चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए और एक दिन में कितनी मात्रा पुरुषों को खानी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा कर लेता हूं और इससे पुरुषों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, पहाड़ी जड़ी बूटी कहलाती है, पहाड़ों में अक्सर ये पाई जाती है और एक प्रकार का ये पत्थर होता है। लिक्विड फॉर्म में आजकल ये मिल जाता है आपको, ठोस में भी मिल जाता है, लेकिन आजकल इसे ये डुप्लीकेट बहुत बन रहा है, थोड़ा संभल के इसको खरीदना। शिलाजीत थोड़ा महंगा आता है और जो विश्वासपात्र आदमी हो उससे आप लेना, मेरे कहने का मतलब ये है। शिलाजीत से सबसे बड़ा फायदा मिलेगा पुरुषों को उनकी इनफर्टिलिटी के लेकर। इनफर्टिलिटी मतलब होता है जैसे कि पुरुषों में आजकल उनका जो यौन स्वास्थ्य है, यौन कमजोरी है, वो ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात है कि उनका जो स्पर्म है, ये मतलब ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी में आती हैं। स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म की संख्या होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में, यानी पुरुषों के शरीर में बहुत ही गजब की चीज़ होती है। हमारे शरीर को गठीला बनाने के लिए, हमारे आवाज़ को भारी रखने के लिए, हमको मर्दाना शक्ति देने के लिए, यौन शक्ति देने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अहम रोल होता है। जिस किसी व्यक्ति में ये टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है उनको ज़्यादातर यौन से जुड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इस हार्मोन्स का बैलेंस रहना ज़रूरी है। ना ही ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ना ही ये लो होना चाहिए, इसका संतुलित होना ज़रूरी होता है। इसलिए जिन पुरुष भाइयों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल गिर चुका है, जिन्होंने अभी अभी टेस्ट कराया, उनको पता लगा कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, तो उनको शिलाजीत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अपनी मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के लिए, आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपने आप को गठीला रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कमज़ोर हैं, आप दुबले पतले हैं और आपका शरीर गठीला नहीं है, जैसे एक पुरुषों का होता है, एक मर्द का होता है, उस तरीके से आपका शरीर नहीं है, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ट्राई अवश्य करना। कितनी मात्रा लेनी है मैं सारी बातें बताऊँगा, पहले इसके फ़ायदे के करके सुन लेना। दूसरा फ़ायदा होता है स्पर्म काउंट के लिए। स्पर्म काउंट का मतलब होता है जैसे कि आपको शादी हो गई है जैसे आपकी, और आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी सालों से बाप नहीं बन पा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मेरी कमी हो। कई लोग तो महिलाओं की कमी मान लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों का ही रोल होता है, पुरुष का भी होता है, महिला का भी होता है, इसलिए दोनों को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। महिलाओं में अंडे की क्वालिटी, अंडे की गुणवत्ता चेक करानी चाहिए, उनका ओवुलेशन ठीक से हो रहा है या पीरियड्स उनका डे टू डे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं चेक। इसलिए पुरुषों में भी उनका स्पर्म काउंट चेक होता है, उसकी क्वालिटी चेक होती है, और जो काउंट होता है यानी 2 करोड़ एक बार के वीर्य में 2 करोड़ जो शुक्राणु है वो होना चाहिए। अब कई लोगों का डाउन हो जाता है तो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम कहलाती है। अगर आप अपने स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्तर पर लाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट होने में हेल्प मिले, तो आप निश्चित तौर पर शिलाजीत का प्रयोग अवश्य करें, ठीक है, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सर्दियों में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्दियों में ही इसका शिलाजीत का प्रयोग इसलिए बताता है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और ठंड में ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी काम करता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है। सर्दियों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जब जैसे तासीर गर्म रहेगी तो आपके शरीर भी अंदर से गर्म रहेगा, आपको ठंड कम लगेगी, आपको सर्दी जुकाम बुखार जो वायरल इन्फेक्शन है वो कम होगा, ध्यान रखिए। इसलिए आपको इम्यूनिटी को भी डेवलप करना है तो शिलाजीत का प्रयोग आप निश्चित तौर पर अवश्य करें। अगला फायदा होगा यौन स्वास्थ्य के लिए, यानी आप दिनों दिन नपुंसक बनते जा रहे हैं। आपको क्या है, जैसे कि आप बेड पर जाते हैं, अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जो यौन शक्ति है वो कमज़ोर है, समय से पहले आप छीण हो जाते हैं, यानी शीघ्र पतन का आपका बीमारी है, और दूसरी बात कि आपके अंदर वो उत्तेजना नहीं पैदा हो रही है जैसे होना चाहिए, वो शक्ति नहीं है कि आप किसी महिला को खुश कर सकें, तो निश्चित तौर पर ये जो जड़ी बूटी है ये आपकी 100% इस चीज़ में हेल्प करती है। यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए शिलाजीत का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें पुरुषों से इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि पुरुषों से ही संबंधित बीमारी होती हैं। अक्सर शिलाजीत का प्रयोग महिलाएं भी करती हैं और उनको करना भी चाहिए क्योंकि सेक्सुअल क्षमता उनके अंदर भी होती है, कई महिलाओं में इसकी गिरावट भी देखी गई है और उनकी फर्टिलिटी भी होती है, जैसे पुरुषों में फर्टिलिटी होती है ऐसी महिलाओं की फर्टिलिटी होती है, उसको भी डेवलप कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उस पुरुषों के लिए पढ़ा है, महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरी जो कि महिला उनका इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे अश्वगंधा चूर्ण हुआ, सतावरी हुआ, उनका महिला कर सकती है, वो भी यही काम करती हैं। लेकिन पुरुषों के लिए ये खास चीज़ इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसका महत्व पुरुषों के लिए ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप निश्चित तौर पर शिलाजीत का प्रयोग अवश्य करें। अब शिलाजीत आपको शुद्ध मिलना चाहिए, एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, एक ठोस में भी आता है। एक चने के बराबर, छोटा जो चना आता है काला चना, उसके बराबर की मात्रा एक दिन की बताई गई है, और गर्म दूध के साथ में आप इसका सेवन रात को रोजाना गर्म दूध के साथ सेवन करें, और बिल्कुल चने के बराबर सेवन करें, चने के दाने के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं जाए बिल्कुल भी, इतना आपके लिए पर्याप्त है। आपकी यौन शक्ति के लिए बढ़ाने के लिए, आपको सब तरह से मजबूत रखने के लिए, आपको पौरुष शक्ति प्रदान करने के लिए ये जड़ी बूटी आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करिए, आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो एक लाइक तो आपका बनता है, और शेयर कर देना वीडियो को, और नए आए तो फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।